जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम टेस्ट नंबर 45 यानी कि 45 नंबर टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार जो है, इसका जो टॉपिक जो है बहुत ही जो है बड़ा है, इसलिए जो है इसे जो है दो भागों में जो है बांट दिए हैं। तो आज ये जो है टेस्ट सीरीज, ये जो है पार्ट वन है, और पार्ट वन के अंतर्गत जो है हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जो हम शामिल किए हुए हैं, और पार्ट टू के अंतर्गत जो कि कल आने वाला है उसमें जो है संसद, उच्चतम न्यायालय और केंद्रीय मंत्री परिषद और जो है न्यायिक समीक्षा जो है टॉपिक है, जो कि जो है कल आएगा, उसे जो है पार्ट टू में जो है शामिल कर दिए हैं। अगर आप पार्ट वन और पार्ट टू पर जो है अगर अच्छी तरह से पकड़ बना लेते हैं तो यहां से जो है बीपीएससी में जो है कम से कम जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है पार्ट वन और पार्ट टू से जो है आता ही है। कभी कभी तो 5 से 6 क्वेश्चन भी पूछा गया है, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार, एग्जाम के पैटर्न के अनुसार जो है लगभग आपको जो है एवरेज की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन जो आपको जो है देखने को जो है मिलेगा। तो ज्यादा न देर करते हुए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। बोल रहा है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है, ऑप्शन के अनुसार बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। बोल रहा है कि भारतीय संविधान जो है भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की जो है नियुक्ति का जो है अधिकार नहीं देता है। तो आप बात उठता है कि आखिर कौन देता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए जो है अनुच्छेद 164 में वर्णित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। तो अब कैसे करेगा, किसी भी व्यक्ति को बना देगा? नहीं, इसके लिए जो है किसी भी दल को जो है स्पष्ट बहुमत जो है प्राप्त करना होगा। ऐसा होने के उपरांत ही जो है बहुमत प्राप्त दल के नेता को जो है मुख्यमंत्री जो है नियुक्त करेगा। अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो क्या करेगा? तो देखिए, अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राज्यपाल जो है सबसे बड़े दल के रूप में जो दल उभरे हैं उसके नेता को जो मुख्यमंत्री नियुक्ति कर सकता है। हम क्या बोले, नियुक्ति कर सकता है, लेकिन उस दल को जो है 1 माह के अंदर ही जो है सदन में जो है विश्वास मत जो है साबित करना होगा। तो इतने बात जो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित। देखिए, अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। बोल रहा है कि उस विवाद को जो कहां सौंपा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। देखिए, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता है, तो आखिर कौन करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप में किसके द्वारा? तो देखिए, निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा जो है चुना जाता है। अब बात करिएगा कि आखिर ये निर्वाचक मंडल क्या है। तो देखिए, निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो देखिए, संसद के दोनों सदन, संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और उच्च सभा। तो दोनों सदन के जो जितने भी निर्वाचित लोग होंगे, राज्यसभा में जो है निर्वाचित लोग भी होते हैं और मनोनीत भी लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के सिर्फ जो है निर्वाचित सदस्य जो है वो ही जो है भाग लेंगे। इसके अलावा जो है राज्य विधानसभा से जो है चुने हुए व्यक्ति, तो वो जो सदस्य होते हैं वो भी जो है इसमें भाग लेंगे, और केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी सदस्य होते हैं उसके द्वारा जो है राष्ट्रपति का जो है चुनाव होता है। अब बात करें कि अब राष्ट्रपति का चुनाव जो है किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा ही होता है। अब यहीं से क्वेश्चन पूछा था कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है कहां? तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी होंगे सभी जांच एवं फैसले जो है उच्चतम न्यायालय में होते हैं, और उसका फैसला ही जो है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ही जो है उसका अंतिम फैसला होता है। तो इतने फैक्ट जो आपको याद रखना है। अब देखिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन जो असत्य है। मतलब बोल रहा है कि इस ऑप्शन से चूज कीजिएगी, इनमें जो कौन सा कथन जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह जो है बात जो है गलत है। तो अब कौन करता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो उसको भी देखते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है भारत के राष्ट्रपति नहीं करता है, पहली बात आपको याद रखना है। तो कौन करता है? तो देखिए, सारा प्रोसेस वही है राष्ट्रपति की ही तरह, लेकिन उसमें क्या था, तो संसद का जो था दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा,
वो दोनों सदन है, लेकिन उसमें जो है राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य होंगे। क्या राज्यसभा और लोकसभा के जो है सभी सदस्य होंगे, चाहे वो मनोनीत हो या फिर चाहे वो निर्वाचित है। तो आपको यह याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है केवल जो है संसद के दोनों सदन के जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी के द्वारा होता है। अब देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है कब कर सकता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। देखिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां की। तो देखिए राष्ट्रपति के पास जो तीन आपातकालीन शक्तियां होती है, कौन कौन होती है? तो देखिए राष्ट्रपति के पास जो है राष्ट्रीय आपातकाल की शक्तियां होती है। अगर बात करें कि इसका अनुच्छेद कितना है, तो देखिए इसका अनुच्छेद जो है 352 है। और इसके अलावा जो है राष्ट्रपति शासन की जो शक्तियां होती है, वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और यह जो वर्णित है कितने अनुच्छेद में, तो 356 से 365 के अनुच्छेद में जो यह जो है वर्णित है। और इसके अलावा जो है राष्ट्रपति जो वित्तीय आपातकाल भी जो लागू कर सकते हैं, तो यह कितना अनुच्छेद में है, तो यह जो है 360 में जो है वर्णित है। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। अब देखिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को जो है संसद के द्वारा ही जो है हटाया जा सकता है। अब कैसे संसद के द्वारा, तो देखिए संसद में भी जो है महाभियोग के द्वारा। अगर बात करें राष्ट्रपति की पद की, तो देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होती है, 5 वर्ष के लिए। अगर राष्ट्रपति को कार्यकाल से पूर्व जो है अगर हटाना है, तो उस पर जो है महाभियोग चलेगा। महाभियोग चलवा कर उसके पद से जो उसे जो है हटाया जा सकता है। इसके लिए जो है क्या जरूरी है, तो इसके लिए जो है संसद के किसी भी सदन में जो है महाभियोग को जो है लगाया जा सकता है। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। बोल रहा है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व, 5 वर्ष का होता है ना लोकसभा का कार्यकाल, तो बोल रहा है 5 वर्ष से पूर्व ही जो भंग किया जा सकता है। कैसे, तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है इसे जो है भंग किया जा सकता है। अगर बात करें लोकसभा की, तो देखिए लोकसभा जो है एक अस्थाई सदन होता है। क्या होता है, अस्थाई, अस्थाई नहीं होता, अस्थाई का मतलब हो गया क्या, तो राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, हमेशा जो चलता रहता है, कभी भी जो है भंग नहीं हो सकता है। लेकिन लोकसभा जो प्रत्येक 5 साल के बाद जो है भंग हो जाता है। अगर बात करें इसके कार्यकाल की, तो 5 वर्ष की होती है, पहले ही हम बता दिए। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 12। देखिए राज्यसभा की सदस्य की अधिकतम संख्या की बात करें, तो अधिकतम संख्या जो है राज्यसभा की 250 जो है निर्धारित है। लेकिन इसमें जो है 238 सदस्य जो है राज्य एवं संघ राज क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। और जो इसमें जो है 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति जो कितने सदस्य मनोनीत करते हैं, तो 12। और अगर बात करें कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो देखिए आपको यह याद रखना है कि वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, और इसमें जो है 229 जो सदस्य है वो राज्यों का जो प्रतिनिधित्व करता है, और 4 सदस्य जो है संघ राज क्षेत्र से है, और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो आपको याद रखना कितना, तो 12 सदस्य जो है। अब देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार जो प्राप्त नहीं है। तो देखिए वह जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यह जो अधिकार जो है उसे प्राप्त नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। अब 9 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। बोल रहा है कि कैसे भंग होगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति जो है इसे जो है भंग करवा सकता है। अब बात करें कि किन किन कारणों से जो है यह जो है भंग हो सकता है, तो देखिए या तो वह स्वयं जो है विघटित हो जाएगा, भंग कर लेगा, दूसरा तो देखिए प्रधानमंत्री की सिफारिश से जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा के कार्यकाल को जो है पूरा होने से पहले जो है भंग किया जा सकता है। अब देखिए 10वां नंबर का क्वेश्चन है, आम तौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, बोल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं क्या होते हैं, तो लोकसभा का सदस्य होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। अब देखिए 11वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कैसे। तो अभी हम तुरंत बताए हुए थे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल जो है संक्रमणीय विधि के द्वारा होता है। यहाँ पर दिया हुआ है एकल हस्तांतरणीय, ऑप्शन नंबर बी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है,
तो कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? देखिए लोकसभा की अधिकतम संख्या की बात करें तो वो कितनी है, तो 552 जो है निर्धारित की गई है, और इसमें जो अगर बात करें राज्य से कितने आते हैं, तो इसमें जो 530 जो है राज्य से आ जाते हैं। कैसे? तो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसी से जो है 530 जो है सदस्य आ जाते हैं, फिर जो है 20 जो है संघ राज्य से आ जाते हैं, और 2 जो है एंग्लो इंडियन समुदाय से जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। और यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। 14 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो देखिए राज्यसभा का सभापति जो उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर बात करें तो राज्यसभा का सभापति जो होता है, यह जो है सदन का जो है सदस्य नहीं होता है। क्या होता है? सदन का सदस्य नहीं होता है। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए अब बात करें कि कब कब रहे थे, तो 1952 से 1957 तक, और 1957 से 1962 तक लगातार जो 10 वर्ष तक रहे, उसके बाद जो वो जो है इस्तीफा दे दिए, फिर जो उसकी मृत्यु जो है कुछ ही वर्षों में जो है हो गई। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो देखिए धन विधेयक के लिए जो राष्ट्रपति की जो है स्वीकृति जो है आवश्यक है, क्योंकि इसकी जो है शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। किसके अंतर्गत? तो वित्तीय शक्ति के अंतर्गत होती है, और वित्तीय शक्ति के अंतर्गत कहा गया है कि वह धन विधेयक को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही जो है संसद में जो है प्रस्तुत कर सकता है। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए कोई भी राज्य हो, चाहे वो जम्मू हो चाहे वो कश्मीर हो, वहाँ की जो राज्यपाल जो होती है उसकी नियुक्ति जो है कौन करता है? तो वह जो राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से ही जो है उसकी जो है नियुक्ति होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, भारत की राष्ट्रपति। अब 18 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, अभी तुरंत हम बताए हुए थे। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा जो है हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, संसद के द्वारा जो है महाभियोग लगाकर जो इसे जो है हटाया जा सकता है। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री मुख्य है, बोला है कि भारत में प्रधानमंत्री क्या है? तो देखिए ये जो केंद्रीय सरकार का जो है प्रमुख होता है केंद्रीय सरकार का, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो देखिए जब जो है खाली होगा तो उस केस में जो है उस कंडीशन में जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है उसके पद को जो है संभाल सकता है, लेकिन उसे जो है 6 वर्ष के अंदर में ही जो है फिर से जो है चुनाव जो है कराना आवश्यक हो जाता है। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद जो अधिनियम बन जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जब राष्ट्रपति जो अपनी सहमति दे देगा तो क्या होगा, कोई भी जो है विधेयक जो वह जो कानून बन जाता है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 24 नंबर का क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कितने नंबर का क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 13 नंबर का क्रम है। अगर बात करें कि कब से कब तक, तो 2007 से जो है 2012 तक, और यह जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यह जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी है, तो आपको यह भी जो है याद रखना है। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग जो कैसे करते हैं? तो देखिए सीधे अथवा अपने अधीनिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो है वह जो है उसका जो है उपयोग करते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति करता है न्यायाधीश की नियुक्ति, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो हम क्या बताए थे कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है होता है तो क्या होता है? तो संसद का हिस्सा होता है। क्यों? तो देखिए यह जो है दोनों सदन को जो है संयुक्त जो है अधिवेशन बुलाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
अब देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति जो है भारतीय गणतंत्र का जो है प्रमुख है। अब 30 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो हम बताए थे कि कार्यपालिका की जो है अध्यक्ष कौन होती है, किसके पास जो उसकी शक्तियां होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है। तो वही यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ दिया है किस अनुच्छेद के तहत, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अब देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा राष्ट्रपति पर जो है यह जो है लागू होती है। अब देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे कौन थे? तो देखिए 70वें संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली और पुडुचेरी को जो है केंद्र शासित प्रदेश में जो है भाग लेने का जो है अधिकार दिया गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। अब 33 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए राज्य के विधान परिषदों की निर्वाचित सदस्य जो है या जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु जो है निर्वाचक गण में शामिल नहीं होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा। अब 34 नंबर का क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं? तो हम बताए थे कि यह जो है राज्यसभा और लोकसभा के जो है जितने भी सदस्य होते हैं निर्वाचित, लेकिन उसके द्वारा और जो विधानसभा के सदस्य जितने होते हैं उसके द्वारा और जो केंद्र शासित जो सदस्य होते हैं उसके द्वारा, तो इसमें देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है, यदि क्या? तो वह जो है राज्य विधान में जो है उच्च सदन का सदस्य हो तब जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री जो मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा। अब 36 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो है यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति जो है पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु बोल रहा है कि उसे क्या करना होगा? तो देखिए उसे जो निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत जो है अपनी जो है सदस्यता जो है छोड़नी होगी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः जो निर्वाचन की योग्यता है जो है निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 57 करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। अब 40 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? अभी हम बोले थे कि संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जा सकता है, तो किस अनुच्छेद के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा अनुच्छेद 61 के द्वारा। अब देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो है इसे जो है लगाया जा सकता है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग अथवा हटाए जाने पर खाली हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो हम बताए थे कि तब तक जो है न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है उसके पद पर जो है बने रहेंगे, लेकिन 6 माह के बाद जो है राष्ट्रपति का जो है चुनाव जो है कराना होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, हो जाएगा 6 माह। अब देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन है, यदि मृत्यु त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो देखिए कौन संभालेगा अभी, तो देखिए उपराष्ट्रपति जो है संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब जो है उस केस में जो है कौन संभालेगा? तो न्यायाधीश जो है संभालेगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। हम बताए थे कि संसद में जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो संयुक्त सभा जो है बुलाती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, हो जाएगा राष्ट्रपति, इसका आंसर हो जाएगा ए। 45 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह कौन था? तो देखिए भारत के एक राष्ट्रपति ऐसे भी थे जिन्होंने जो है वीटो शक्ति का जो है प्रयोग किया है, किस पर जो है उन्होंने वीटो शक्ति का प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा भारतीय डाक घर विधेयक संशोधन पर जो इन्होंने जो वीटो शक्ति का जो है प्रयोग किया था, मतलब क्या, तो उसे जो पॉकेट में रख लिया था, पॉकेट वीटो जो उसे जो है कहा जाता है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा अनुच्छेद 123।
47 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, तो कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा अनुच्छेद 143। 48 नंबर का क्वेश्चन है, दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो आप ही बताइए दो अवधि के लिए कौन थे। अभी तुरंत बताए थे राजेंद्र प्रसाद थे जो कि 1952 से 57, फिर जो है 1957 से जो 62 तक जो है उन्होंने जो राष्ट्रपति का पद जो है संभाला था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार जो है संजीव रेड्डी हो जाएगा। अब देखिए 50वां नंबर का क्वेश्चन, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो है उन्होंने जो है राष्ट्रपति के रूप में भी जो है कार्य किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था, तो देखिए राष्ट्रपति भवन को डिजाइन जो किया था वो उसका नाम था एडविन लुटियंस, तो आपको याद रखना है एडविन लुटियंस इन्होंने ही जो है राष्ट्रपति भवन का जो है डिजाइन जो है तैयार किया था। पहले जो यह जो है वायसराय का जो है आवास हुआ करता था, तो यह भी जो आपको याद रखना है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा एडविन लुटियंस। तो जितने भी क्वेश्चन थे टेस्ट नंबर 45 से सारे को जो इसमें जो है डिस्कस कर दिए हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।